शादी करने के लिए, क्या मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फायजा वकार। कैसे हैं आप सब लोग? जी उम्मीद करती हूँ जी खैरियत के साथ होंगे, खुशबाश मज़े में होंगे, रमज़ान की बरकतें खूब समेट रहे होंगे। और जी ये आई थी मेरी डिलीवरी, मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था, तो एक तो मैंने फ्लोर लैम्प किया था क्रिस्टल का, वो मेरा आया था, और एयर फ्रायर आया था मेरा, और भी मैंने चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, जैसे जैसे आएंगी आपको दिखाते जाऊंगी। और मुझे नहीं पता था कि ये डिलीवरी जो है वो मेरी आई है, मैं तो ऐसे बस नीचे डोर मैंने खोला, मैं नीचे जब आई वेदर चेक करने के लिए तो कुछ बॉक्सेस पड़े हुए थे, शायद उन्होंने बेल किया, ऊपर आवाज़ नहीं आई होगी, तो मैं यही समझी कि विकी जैसे कि अमेज़ोन का काम करते, मे बी उन्होंने कुछ ऑनलाइन जो है वो अपने लिए कुछ मंगवाया हो। लेकिन जब बॉक्स पे, एक बॉक्स पे मेरी नज़र पड़ी, उसमें जो फ्लोर लैम्प की पिक्चर थी, तो मैंने कहा ओ ये तो मेरी डिलीवरी आ गई, और ये 4-5 दिन पहले ही आ गई थी, इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो इससे मैं बहुत ही खुश थी। घर की वैसे भी जब कोई चीज़ आती है ना, लड़कियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। तो ये मैंने एयर फ्रायर मंगवाया था अपने लिए भी स्पेशली, और विकी के लिए भी, जैसे वो डाइट करते थे, वो एक ही तरह का जो है ना खा खा के तंग आ गए थे, तो मैंने कहा चलो एयर फ्रायर करें, थोड़ा चस्के वाली चीज़ें भी खा सकते हैं वो भी, और मेरा भी जैसे वेट बहुत बढ़ा था, जैसे स्पेशली आजकल हम समोसे रोल्स और इस तरह की फ्राई चीज़ें रोज़ों में बहुत खा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो अब मैं इसमें बनाऊंगी। तो ये देखें, ये जो राउंड सा था इसमें, ये मैंने ना पावर एक्सेल का एक्स्ट्रा लार्ज कुकर ये लिया था, एक्स्ट्रा लार्ज मैंने एयर फ्रायर लिया था। इसमें आप चिकन फ्राइज, चिकन जो है वो फ्राई भी कर सकते हैं, इसमें बेकिंग का भी ऑप्शन है, और ये काफ़ी मतलब एक पूरा होल चिकन इसमें जो है आप बेक कर सकते हो, फ्राई कर सकते हो, चिकन पैटीज इसमें बना सकते हो, इसमें डोनट वगैरह बना सकते हो, वो ज़्यादा ये जो है ना कम्फर्टेबल है स्पेशली डाइट वालों के लिए। और जी ये देखिए, मेरे फिर से वो रोल्स जो पहले बनाए थे ख़त्म हो गए थे, समोसे रोल्स, ये मैंने फिर रोल्स का जो है मटेरियल बनाया था, और वही तो मुझे था कि हम इतने फ्राई रोल और समोसे खाई जा रहे हैं, तो चलो एयर फ्रायर आ जाएगा, चस्का भी पूरा होगा और साथ में इतना फैट भी नहीं जाएगा। तो ये साथ में मैंने बीफ का कीमा तैयार किया था समोसों और रोल्स के लिए, तो वही रेसिपी थी जो मैंने पहले आपको दिखाई है ब्लॉग में। तो ये मैंने फिर अब पहले से भी ज़्यादा बना के रखे थे रोल्स और समोसे, और क्योंकि अभी रमज़ान के काफ़ी दिन बाकी हैं, और जिस तरह से हम खा रहे हैं ना, स्पेशली बच्चे भी, तो ज़्यादा ही ठीक थे। तो जी ये समीर की कुरान की क्लास हो रही थी। He is Kara fi Hazmuhu wa Safi Kara biha। जी तो ये था एयर फ्रायर, ये मैंने एक्स्ट्रा लार्ज मंगवाया था, आपको नज़र ही आ रहा होगा कि इसका काफ़ी बड़ा साइज़ है, इसमें आप पिज़्ज़ा वगैरह भी बना सकते हो, और बेकिंग ऑप्शन भी इसके अंदर है, और फ्राई भी चीज़ें कर सकते हो, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो ना चीज़ है हमारा खुलने वाला है। और आज हमें ये देखना ही इतना कुछ, सर मैंने जूस बनाया है, यहाँ जो है वो एयर फ्रायर में जो है वो नगर्स बन रहे हैं विकी के लिए, और बाकी जो है आज अफ्तारी जो है बाहर से आ गई है, मेरी दो फ्रेंड्स की तरफ से आई है, इतना कुछ आ गया है। तो जी ये दही जो भल्ला दही फुल्की होती है, मैं आपको भी दिखाती हूँ क्या क्या आया है। तो जी समोसे रोल, बिरयानी, पास्ता, हलीम चाट, चना चाट और दही भल्ला, वो जो दही फुल्की, बहुत कुछ आ रहा है इसको ना। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या आया है। वो केक भी आया है, मेरी फ्रेंड बहुत मजे के केक जो है वो बनाती है, बेकिंग बहुत कमाल करती है, तो आज उसने जो है वो केक भी भेजा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, फ्रूट चाट, चना चाट, और ये केक जो है उसने खुद बेक किया है, खुद बनाया है। ये जी बिरयानी है, और ये पास्ता है, और जी ये जो है दही भल्ले हैं, और जी ये आया है मेरी एक फ्रेंड की तरफ से जी ये वाला, और दूसरी फ्रेंड की तरफ से मेरे आया है हलीम, मेरा फेवरेट, और ये दही फुल्की, ये दही भल्ला नहीं होता जो वो राउंड वाली जो फुल्कियाँ होती हैं, ये वो है,
इधर भी फ्रूट चाट आई है, साथ में इधर रोल आए हैं, समोसे आए हैं और शरबत मैंने खुद बनाया है। और अब ये रोल और समोसे जो है ना, ये सामने जो है एयर फ्रायर, अब मैं इसे एयर फ्रायर में करूँगी इसको गर्म, और ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे अभी अभी जैसे फ्रेश निकले हों ऑयल में से ना, इस तरह के एयर फ्रायर का ये जो है ना वो फ़ायदा होता है। तो 4 हो गए हैं, बस थोड़ा सा टाइम रह गया है हमारा अफ्तारी में। और ये हम ये मेरे बन रहे हैं साथ में नगेट्स, ये देखें जी रेडी हो रहे हैं। ये एयर फ्रायर हमारा कल आया है और बड़ा ही ज़बरदस्त। ये क्या हुआ है, 395 पे कैसे चला गया? अच्छा, ये 400 से 395 पे ये होने वाले हैं मेरे नगेट्स जो मैं बना रही थी इसके अंदर। और इसके बाद मैं अब खड़ी हूँ, मैंने ना करने हैं समोसे। ये फ्रेंड की तरफ से आए हैं तो ज़्यादा 2-3 घंटे हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये एयर फ्राइड में जब आप करते हो ना इसको गर्म, तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल फ्रेश बनाए हो, अभी घी से फ्रेश निकले हो, जैसे ऑयल में आप बनाते हैं ना बिल्कुल ऐसे फील होता है। तो बस अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये हो गया, ऑफ हो गया है मेरा हल, हो गए है ना ये देखो जी, ये ऑफ हो गया है। तो इसका मतलब है कि अब हम निकालते हैं इसको जी, विदाउट ऑयल हमारे नगेट्स तैयार हो गए। और ये नगेट्स भी क्या बने कि मैंने बस वो चिकन ब्रेस्ट था ना उस पर पहले मसाला लगाया और थोड़े से ब्रेड क्रम्स में उनको डाल के इसमें डाल दिया, तो ये थोड़ा डिफरेंट टेस्ट होगा, विकी का चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए विदाउट ऑयल के ये बने हैं, क्रिस्पी तो बने थे नगेट्स, पर मुझे लगा थोड़े से ओवर कुक हो गए क्योंकि ज़ाहिर मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, इतना मुझे टाइमिंग का नहीं आइडिया था, लेकिन अब मुझे हो गया है आइडिया। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो नहीं ओवर कुक होंगे। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप भी लीजिए और स्पेशली टाइट वालों के लिए इस्तेमाल है। और जी मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, अभी मैंने आपको जलते हुए भी दिखाए थे कितने सॉफ्ट सॉफ्ट से समोसे और रोल ऐसे लटके हुए थे बिल्कुल ना, और आप देखें कितने क्रिस्पी हो गए हैं। माय गॉड, सिर्फ ये पता है कि कितनी देर में किया है, ये सिर्फ 2-3 मिनट में इतना हो गया है। 2-3 मिनट के लिए मैंने वो लगाई है टाइमिंग पे और 2-3 मिनट में देखें समोसे ऐसा लग रहा है जैसे फ्रेश बन गए हो ना, जबरदस्त चीज है भाई ये देखिए क्रिस्पी। क्या तो बुकलेट हस्बैंड के पास ही सास और मुझे बता भी रहे थे कि टाइमिंग वगैरह इसमें कैसे कम होती है, अभी जो है ये हम सीख रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने पहले कभी यूज नहीं किया ना। अच्छा क्या है ये करना है विक्की, उसके बाद क्या करना है? राउंड का बटन दबाओ ना, राउंड का कहाँ है? माइनस का साइन, माइनस का माइनस, मीर वेट कर रहे हैं रोजा खुलने के लिए। कितना टाइम रह गया विक्की, कितना टाइम है? यार 3-4 मिनट, 4 मिनट्स रह गए हैं और सिद्धत से इंतज़ार हमारे उसमेर को हैं। जी तो यहाँ पर अफ्तारी में बस थोड़ा टाइम रह गया था और मैंने बच्चों को बोला था कि अपनी प्लेट्स जो है ना वो पहले से बना लो, क्योंकि 4 मिनट रहते थे और भूख भूख उन्होंने मचाई हुई थी, तो मैंने कहा चलो प्लेट्स बनाने में इनको बिजी करो। तो आखिरी 4-5 मिनट वाकई में मुश्किल हो जाते हैं वैसे काम करने में आपको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन 4-5 मिनट गुजरने मुश्किल हो जाते हैं जब आपको पता हो ना 4 मिनट रह गए, 2 मिनट वो लगता है 1-1 मिनट मुश्किल से गुजरा। और यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए थे और आज तो बड़े मजे का हमने रोजा खोला था, बहुत सारी वैरायटीज थी। नगेट्स जो बनाए हैं थोड़े से बर्न हो गए क्योंकि मैंने कभी एयर फ्राई पहले यूज नहीं किया तो वो टाइमिंग ज्यादा पे, मैंने ना फ्राइज वाला जो इसमें ऑप्शन था उस पे मैंने लगाया है, लेकिन बोला यूज करो चीज तो आती है। तो अब नेक्स्ट टाइम वो 18 मिनट था, ये 18 मिनट की बजाय ये 9-10 मिनट में बन जाने थे, ये 18 मिनट में बर्न हो गए हैं, अब नेक्स्ट टाइम ठीक बनेंगे। कुछ होता इसमें वैसे भी मैंने शुगर में डाला सिर्फ मीठा नहीं है, ये मुझे पता है तुम लोग ये नहीं पीते इसलिए तुम्हारे लिए ना ये जूस है। जब पाकिस्तान में अफ्तारी होती है कितना मजा आता है, अजान की स्पेशली जब आवाज आती है और वो जो सायरन बजता है ना सच्ची वो एक अलग से माहौल बना होता है, यहाँ वो माहौल तो नहीं होता,
लेकिन फिर भी रमजान की एक अपनी रौनक होती है हर जगह पर। बहुत मजे का, जो पाकिस्तान में ज्यादा बनती है ये मेरी खाला बहुत अच्छी बनाती है, आंटी कौजिया आप बहुत अच्छी बनाती है, बिल्कुल वैसी ही चना चाट है, नमकीन वाली है, ये मीठी वाली नहीं है। और यकीनन सबूर ने भी बहुत मजे की बनाई है। थैंक यू मरियम सबूर इतने मजे की अफ्तारी भेजने के लिए, क्या आज मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। तो अफ्तारी करने फिर चाय बनाते हुए मिलते हैं, ठीक है जी। तो अब हो गई है चाय हमारी रेडी, और जैसे कि विकी तो है डाइट पर, वो तो चाय नहीं पीते, तो मैंने बना ली अपने लिए चाय। और देखें जी ये है मेरा चाय का कलर, और जी किचन भी हो गया है क्लीन, क्योंकि चाय पीने का तभी मज़ा आता है जब किचन वगैरह सब कुछ क्लीन हो जाए, फिर मैं ऊपर जाके बैठ के आराम से टीवी देखते हुए चाय पीती हूँ। और साथ में है ये मज़ेदार किस्म का केक, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड ने भेजा जो कि मैंने उस वक्त तो नहीं खाया था, अब चाय के साथ जो है वो मैं खाऊंगी, और बहुत ही देखें लग रहा है ना यम्मी, बहुत मज़े का बना हुआ है। तो फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।